ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर जिंदा है ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के आंकड़े को पार करते हुए सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जबरदस्त एक्शन से भरपूर इस फिल्म को देखने के लिए फैंस की भारी भीड़ सिनेमाघरों में पहुंची। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस फिल्म में एक ऐसा कौन सा क्लाइमेक्स सीन था जो दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाया और उसकी बदौलत फिल्म ने जोरदार सफलता हासिल की। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर जिंदा है ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई के साथ कई रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। फिल्म इंडिया के अलावा विदेशों में कमाई करने में सफल रही है। इस फिल्म में सलमान के साथ कैटरीना पूरे 5 साल बाद बड़े पर्दे पर लौटी हैं। फिल्म में दोनों ने ही अपने जबरदस्त एक्शन की वजह से काफी सुर्खियां बटोरी। वहीं दूसरी ओर दर्शकों को खास तौर पर एक सीन बहुत पसंद आया, जिसकी वजह से दर्शकों ने सिनेमा घर की ओर रुख किया। बता दें कि ये खास सीन फिल्म का क्लाइमेक्स था। जितना बेहतरीन ये सीन पर्दे पर नजर आया, उतनी ही मुश्किल से इसे शूट किया गया। टाइगर जिंदा है के मेकर्स ने इस फिल्म के क्लाइमेक्स में उस खतरनाक सीन की शूटिंग की एक वीडियो यूट्यूब पर रिलीज की है। इस सीन में तेल के टैंकर से अस्पताल में ब्लास्ट करना होता है, जो हम सब की सोच से कई ज्यादा खतरनाक रहा था। फिल्म टाइगर जिंदा है कि इस क्लाइमेक्स सीन को अबू धाबी में शूट किया गया था। इस खतरनाक सीन के लिए हॉलीवुड के जाने माने स्टंटमैन सैमी ट्रिमिंग को बुलाया गया था। इस सीन को लेकर बताया गया है कि ब्लास्ट से पहले इस ट्रक में 2 कैनल हाई प्रेशर गैस भरी गई थी। इसे हॉस्पिटल के फ्रंट एरिया में ब्लास्ट किया जाना था। हालांकि इस सीन को फिल्माते समय सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया था और आखिरकार फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर को इस सीन में सफलता मिली, जिसकी वजह से ये फिल्म सिनेमाघरों में छा गई। बॉक्स ऑफिस की ताजा रिपोर्ट के अनुसार फिल्म टाइगर जिंदा है ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 336.51 करोड़ की जबरदस्त कमाई कर डाली। जल्द ही यह फिल्म एक के बाद अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और अभी तक के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई है। बॉलीवुड की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 4थी फिल्म बन गई है। भाईजान की कोई भी फिल्म सिनेमाघरों में पहुंचते ही कम से कम 100 करोड़ के क्लब में तो आसानी से जगह बना ही लेती है। अब ये सलमान खान का जादू ही है कि वो जिस भी फिल्म को साइन कर दे वो हिट तो होनी ही है। मेरे साथ एवन न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।